बूढ़ी बाबा चार्जर लेके उठा मेरा बच्चा। आज क्या है मुझे क्या बताओ? पापा का बर्थडे। हाय मेरा चमनप्राश। कह रहे मम्मा अब ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल तू बने दादा बोला था चीकू को। दादा भाई के एनुअल डे फंक्शन पे चलेंगे। पापा पापा की तबीयत खराब है, पता नहीं इसे क्या हुआ है, रो रही है, उसको ना हॉस्पिटल ले जाएगा। तुब्बा तो अपनी मम्मी जैसी लग रही है। तुब्बा बिल्कुल पाल जैसे। तुब्बू लाइट, इसको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब 2 दिन से फ्रेश नहीं हुई है, वैक्सीनेशन लगेगी। बहुत बहुत हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हूँ करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजने वाले हैं 8:09 बजे हैं अभी, 10 मिनट 8 बजने में, तो मैं जल्दी उठ गई थी 7:30 ही, तो मैंने यहाँ पे जो है लंच की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी कर दी है। मैं बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ जो है मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल। छोले जो है मैंने बॉइल कर लिए, अभी हल्का सा रह गया, 1-2 सीटी और लगाऊंगी फिर प्रॉपर हो जाएंगे छोले। तो यहाँ जो है मेरा टमाटर प्याज का जो तड़का है वो भी ऑलमोस्ट बन गया है, सिर्फ मसाले डालने हैं। तो फटाफट से मसालों को पका लेती हूँ। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, हल्दी मिर्ची और छोले का मसाला डालती हूँ बस, गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। थोड़ा बच्चे के लिए टेस्ट भी अच्छा है ना भाई, थोड़ा टेस्ट होना चाहिए सब मसालों का। तो नमक ऑलरेडी मैंने मसाले में डाल दिया है, यहाँ पे मैंने मसाला लिया, इसको पानी में घोलूंगी फिर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं हमेशा मसाला जो है ना ऐसे अलग से बाउल में लेके उसमें पानी डाल के फिर जो है कढ़ाई के अंदर डालती हूँ, जिससे कि ना मसाला अच्छे से पक जाता है। अभी तो मेरा ये वाला मसाला पक गया है, लहसुन प्याज और टमाटर। अब मैं जो है इसको पकाती हूँ, थोड़ा सा मैं बटर डालूंगी इसमें टेस्ट के लिए। तो छोले जो है थोड़े ज़्यादा मैंने भिगोए थे, मैंने कहा कोई अगर जल्दी उठता है तो वो खाना खा सकता है, जैसे बच्चों की नैनी है वो लोग भी सुबह वाली रात वाली खाना खा के निकल जाएंगे, तो उसके लिए मैंने सबके लिए जो है छोले और यहाँ पे राइस बना दिए। तो यहाँ राइस की स्टीम निकल रही है, राइस भी जस्ट ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए पानी भी उबाल के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों का जो पानी है वो खत्म है। कुछ भी लेना होता है ना हम पहले से बॉइल करके ठंडा करके फिर पैकिंग में रखते हैं, उससे पानी के जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं और पानी बॉइल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना सीटी को कुकर की सीटी निकालने के लिए उसको ना पानी के नीचे टैप के नीचे लगा दिया था, तो सीटी निकल गया है फटाफट से, क्योंकि मेरा मसाला हो चुका है। अब इसमें जो है छोले डाल देते हैं। तो चीकू को दूध पे पिला दिया। मैं सोच रही हूँ चीकू को ना 8:15 पे या 8:20 पे उठाऊंगी, क्योंकि सिर्फ नहाना ही है उसे, और 10 मिनट में नहा लेगा, 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो अभी सोने देती हूँ उसके, क्योंकि मैंने जो है सारा जो काम है वो बहुत जल्दी कर लिया। तो यहाँ पे जूते ले आई हूँ उसके, और जब से मैंने इसके ये वाले जूते लिए ना मुझे बिल्कुल सही लगा मेरा डिसीजन, क्योंकि ये जूते उसको बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। बस इसे पॉलिश कर देती हूँ, रोज़ तो चमकते हुए जाते हैं। इस बार ना मुझे ऐसा लगता है इसके रिपोर्ट कार्ड में जो नीटनेस का वो आएगा ना गुड आएगा इस बार, क्योंकि हम उसके कपड़े वगैरह सब जो है अच्छे से उसे रेडी करके भेजते हैं रोज। तो वही चीकू को एप्पल दिया था बीच में अभी, तो एप्पल तो वो खा के नहीं आया, पर वो जो ऐसा करता है घर में जब रहता है ना तो कुछ खेलता है या कुछ देखता है, तो हम उसे एप्पल वगैरह कुछ दे देते हैं, वो खा लेता है, पर स्कूल में नहीं खा के आता। तो स्कूल के लिए मैं उसे फिर बनाना ही देती हूँ, क्योंकि वो फ्रूट लंच देना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैम बोलती है मीठा फ्रूट लंच सब बदल बदल के दिया करो, तो हम उसे बदल बदल के देते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म निकाल दी है उसकी, और मैंने ना उसकी ये वाली कल वाली पैंट जो है ना वो उसको आते ही निकाल के फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि पैंट तो ऐसे पैंट चल जाती, शर्ट नहीं चलती, शर्ट व्हाइट कलर की, तो इसलिए मैंने शर्ट जो है वो ट्रैकिंग वाली निकाली है, पैंट वही निकाली है। और फटाफट से सॉक्स बेल्ट वगैरह भी रख लेती हूँ, और फिर उसको जो है 15-20 मिनट मैं भी लेट जाती हूँ, पानी गर्म करने रख दिया है मैंने। तो इसमें मैंने केक पैक किया है, इसमें करने वाली हूँ मैं बनाना पैक, इसमें छोले, इसमें राजमा। तो ये केक कहाँ से आया है? केक आया है चीकू की जो फ्रेंड है, क्लासमेट है नूर, और युक्ता उसकी जो दोस्त है, उसकी मम्मा ना बेकरी का काम जो है स्टार्ट करने वाली हैं, वो सीख रही हैं सब, और बहुत ही सच्ची में बहुत ही यम्मी केक बना है। तो मैंने सोचा है कि आज का जो बर्थडे केक है वो भाभी को बोलती हूँ बनाने के लिए। चीकू के पापा का बर्थडे केक आज बनाएंगे हम लोग, और 14 आज भी काटेंगे और कल भी काटेंगे, तो आज का केक उनसे बनवाऊंगी मैं। तो वो जो केक देखी गई थी रात को भी खाया था हमने, और चीकू ने बोला था मुझे लंच में पैक करके देना, तो लंच में भी पैक कर रहे हैं। बूढ़ी बाबा चार्जर लेके उठा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा चार्जर लेके क्या चार्ज करेगा बेटा, अपने आपको चार्ज करेगा क्या मेरा बच्चा? ओरो नहीं मेरा बाप, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ मेरी गोदी में। चीको उठो बच्चा, स्कूल हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, चलो पानी गर्म कर दिया आपने, ऑयल इतना सारा लगा रखा, नहाना है आपको, चलो खड़े हो। कल आपका फंक्शन भी है भाई, 2 मिनट। और सुनो, नूर रेडियो के फोन आया था, नूर का बोले थे चीकू आएगा ना आज, मैंने कहा हाँ आएगा, उसकी डांस प्रैक्टिस है, खड़े हो जाओ। कौन है तू भाई? ये कौन है जो टीवी में दिख रही है? तू तू ना इसमें अपनी शक्ल देख रही है और इसके साथ खेल रही है लड़के के साथ। खेलो टूबो, कितनी गंदी शक्ल बना ली है, मम्मा ने कहा बोल दिया ऐसा। तो भाई यहाँ पे इसकी सारी तैयारियां मैंने कर दी, 8:10 हो गए, अब लड़के उठा देती हूँ तो फिर लेट हो जाएगा, फिर मुझे बोलेगा मम्मी आपने उठाया नहीं टाइम से, ये है वो है, मुझे सुनाने लग जाएगा। तो देखो भाई इसमें सारा धुआं निकलता है, और यहाँ पे राइस जो है मैंने बना के रख दी है, ये मेरे छोलों की शक्ल है, देख लो भाई।
तो ये जो एक्स्ट्रा बनता है ना, जो भी जिसको भी भूख लगती है वो सुबह सुबह खा लेते हैं। आज पता नहीं क्या और अच्छी ही खा रही है। तो यहाँ पे जो है इसका लंच भी रेडी हो गया, बैग भी रेडी हो गया, शूज भी रेडी हो गए, कपड़े भी रेडी हो गए, बस लड़का रेडी नहीं हुआ। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, फटाफट उठाती हूँ, नहलाती हूँ और भेजती हूँ स्कूल। शर्ट जो है दीदी से मैं बंद कराऊंगी क्योंकि नाखून आज और कल तक रखूंगी। चीकू भाई लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। चीकू भाई उठो, आज लंच में पता क्या है? छोले चावल आपका फेवरेट और नूर वाला केक भी पहले पैक किया है, ठीक है? दोनों मिलके खा लेना। आ जाओ उठ जाओ बच्चे, बहू बड़ा लेट लगाता है। आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, गुड बॉय गुड। ये लो आपके चप्पल पहन लो। चीकू आपको पता मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा बेटा। मम्मा फिर भी उठी है। आज आज क्या है मुझे क्या बताओ? पापा का बर्थडे। पापा का बर्थडे रात को सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसा और आज मेरा फंक्शन भी है। आज नहीं, आपका फंक्शन कल है, परसों परसों। आज तो प्रैक्टिस होगी ना आपकी डांस की। मैम को पैसे आपने दे दिए थे ना? आपका वो जो लोअर फट गया उसको सिलवाना है, ये मैम सिलवाएंगे। मैम ने बताया नहीं? गुड मॉर्निंग, मैंने आज आपका बैंड ढूंढ दिया, ठीक है? चलो नाते वेलकम बैक। तो आज लोग वाला है कि आज हम जा रहे हैं स्कूल की प्रैक्टिस के लिए। क्या हो गया मेरे बच्चा? तो गाइस चीकू जो है बहुत मस्ती। नहीं नहीं वापस नहीं, वापस नहीं, दो मिनट। नहीं नहीं नहीं, दो मिनट नहीं। चलो 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 चलो, देखो कैमरा भी चल पड़ा आपके साथ। चलो आओ, नहीं लाइन लगाओ, चलो। वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। सुबह सुबह नहा के कैसा लगा? अच्छा लगा। मम्मा कैसा नहलाती है? अच्छा। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरा चमनप्राश। तो आज मैंने ड्रायर यहीं पे रख लिया, यहीं से ड्रायर कर दूंगी चीकू का फटाफट। आज बेटा इस तरफ आ जा, ट्राई कर देती हूँ। चीकू कह रहा है आज से मैं खुद रेडी होऊंगा, सिर्फ बटन हाथ के आप बंद कर दो, बाकी मैं खुद रेडी होना स्टार्ट करूंगा। खुद से करोगे? उल्टी ऊपर नीचे मत कर देना, क्या आप बता देना। जल्दी बैठो, मैं ट्राई कर देती हूँ। अरे भाई मैं कर दूंगी, तू अरे साथ खेलो। अरे तू ये देखो, बस देख लिया। तो भाई चीकू ने सॉक्स जो है आज पहली बार अपने अपने आप पहनी है, तो यहाँ पे बेल्ट पहनना भी सीख रहा है। पीछे से डालती हूं, पीछे से डाल रहा है। कह रहे हैं मम्मा अब ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लंच बना के दिया करो, मैं अपने आप नहाऊंगा, अपने आप ड्रेस पहनूंगा, सब कुछ बस मुझे सिखा दो। तो ये सीख रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे बेल्ट लगानी सीख रहा है। देखो लगा ली, लगा ली। वेरी नाइस, ऊपर मुंह करो। वेरी गुड, थम्स अप। जूते पहन लिए? पहन रहा हूं। आपको भी जैसे इतना तो गर्म सर हो रहा है। गर्म सर हो रहा है बाबू, गर्म तो करना पड़ेगा। जला दो अब। ऐसे नहीं कर, बिल्कुल इतना ड्राई नहीं करा, सही किया। तो यहाँ पे जो है अयानू भी उठ के आ गया था मम्मा के पास। मैंने बोला गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग कर दो सबको। हेलो एवरीवन कर दो। देखो देखो कैमरा पकड़ने के लिए कितना वो होता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कैमरा पकड़ लो सबको पकड़ लो। तो भाई मैं तो पी रही हूँ चाय, मेरे सर में हो रहा बहुत ज्यादा दर्द। तब तक मेरा अयानू मेरे साथ बैठा हुआ है और ये कुछ बोलना चाहता है। बोलो अयानू, बोलो। नहीं ये बोलेगा, आप लोगों से बहुत जल्दी बात करेगा। इसने ना आज कल ना तुम कल बोला था, कल तू बने दादा बोला था चीकू को दादा, और आज सुबह सुबह बोल रही है बाबू बाबू। ले ले बेटा ऐसे, बाबू बोला था भैया को, बाबू बोला था। तो एक एक करके मेरे सारे बच्चे उठी उठी कर ले। अब यहाँ पे मेरा जेडू बेटा भी आ गया। मामा को पप्पी करो, पप्पी करो, पप्पी। मेरा पारा बेटा है ना, तू भाई के एनुअल डे फंक्शन पे चलेंगे हैं, चारों बच्चे चलेंगे है ना। एक तो भाई तो पहले जाएगा सुबह स्कूल, फिर तीन बच्चे और चलेंगे, सारे चलेंगे एनुअल डे फंक्शन पे रेडी होके। आपको क्या पहनाऊं मैं उस दिन? अरे हाँ मम्मा जो है निकले के आई ना, वो भैया के फंक्शन में पहन के चलेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। जैसे मैंने कैमरा बंद किया इसने शुरू कर दिया पापा 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 की तबीयत खराब है। तो गाइस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे दोनों सोने पुत्र, एक पुत्र तो सो रहा है एक पुत्र जागी है। ये देखो अभी दिखाती हूँ कैसी प्रिंसेस लग रही। एक प्रिंस मेरा ये रहा और एक प्रिंस मेरा सो रहा है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी मैंने पता किया इसलिए ना फ्रेश नहीं हुई है कल से। मैं अमृत पिला रही हूँ, थोड़ा सा ना पेट में इसको आराम मिल जाएगा और इसको ना हॉस्पिटल ले जाएगा। बोलूँ मैं नहा लेती हूँ, लेके जा मैं नहा ही नहीं हूँ ना सुबह से। देख देख शांति, इसको सारी तो हंस रही है अमृत मेरा बच्चा। तो मैं जब घर पे आई तब आंटी ने बताया कि तूबा बहुत ज्यादा रो रही है, इसके ना पेट में शायद दर्द हो रहा है। तो बस पायल तू नहा ले, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तू जा जा ले जा इसको, ठीक है? फोन पावर बैंक भी ले जा रही हूँ, चार्जिंग बिल्कुल नहीं है फोन में, क्योंकि मैं और पायल ना किसी काम से बाहर गए हुए थे सुबह से, तो बस अभी घर आए। तो थोड़ा सा अमृत पीने के बाद शांत हुई है, सच में इतना ज्यादा रो रही थी। जो मैं घर पर अभी लगा लू, मैं गई सिर्फ 5 मिनट पहले घर पे आई हूँ, बस आकर चप्पल उतार के अंदर घुसी हूँ और इसकी रोने के बाद आई, मैंने फटाफट उसको उठाया। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो बाहर इतनी हवा चल रही है ना, इसको मैंने एक टोपी के ऊपर दूसरी टोपी साथ में बैंकी पूरा कवर कर दिया, क्योंकि बाहर चल रही है बहुत तेज की हवा, पवू चल रही है। और भाई अभी देखो पार्क कितना टाइम हो रहा है, 4:30 हो रही है और ऐसा लग रहा है शाम हो रही है, बिल्कुल धूप का कोई नाम नहीं और आगे जाके तो बिल्कुल धूप होएगी नहीं। चलिए फटाफट हॉस्पिटल, मेरी बिटिया चुप हो गई ऐसे तो। तो गाइस तूबा को ना टीथिंग हो रही है ना, तो शायद टीथिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ना मोस्टली बच्चों को क्या होता है लूज मोशन हो जाते हैं। देखो
ये इसके काम है, इस लड़की के काम है, बिल्कुल टोपी नहीं पहनती। तो मोस्टली बच्चों को ना लूज मोशन सुधाते हैं टीथिंग में, पर पायल कहती कि चीकू के टाइम पे चीकू को कॉन्स्टिपेशन हो गए थे, तो अभी इसको भी ऐसा ही हो रहा है। शायद फ्रेश होने की वजह से इसका पेट में दर्द हो रहा है। अब तो शांत है, पर फिर भी मैंने डॉक्टर के पास ना एक बार ले जाऊंगी, डॉक्टर का कंसल्टेंसी जरूरी है। और साथ ही साथ ना मैं इसको वाली दवाई भी दे रही हूँ जो मैं नाम भूल गई, उसकी कैलेरिया करके दवाई है, कैलेरिया फॉस्फोरस करके जो दवाई है जो मुंह में डाल के खुल जाती है ना बच्चों के दांत वाली, वो भी दे रही हूँ। क्या पता कोई डॉक्टर कोई और नई चीज दे दे जाकि इसको टीथिंग के अंदर मतलब रिलीफ मिले, क्योंकि ना बोलते हैं ना कि अक्सर बच्चे ना जब टीथिंग करते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसलिए शायद ऐसी हो रही हो। तुब्बा तो अपनी मम्मी जैसी लग रही है। तुब्बा बिल्कुल पाल जैसी से शर्मा रही है। तुब्बू खड़ी बेटा शाही कर लो, शर्मा रही है। तुब्बा हंस रही है, हंस रही है। हेलो, हाय, मेरे पास आना है, इनके पास आना है, जाती है ये खाना। ये भी जैद की तरह ही है कि सबके पास आ जाती है ना। सारे बच्चे ऐसी है। बस बस बस, तो ये डॉक्टर साहब को देख के रोने लग गए। बस 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 बस, ठीक है बस। अच्छा देखो इधर, अच्छा तू देखो, तू देखा ना तुबू लाइट। इसको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दो दिन से फ्रेश नहीं हुई है, और अभी ना सुबह से ना चिड़चिड़ कर रही है, रो रही है, और साथ ही साथ इसको टीथिंग भी आ रही है। टीथिंग आप एक बार चेक कर लो, मैं इसको दवाई तो दे रही हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसको बहुत टाइम से होती है। लास्ट टाइम नहीं वॉमिटिंग नहीं, मैं लास्ट टाइम आई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ना आप इसे पपाया देना नेचुरली, तो उसे पपाया प्यूरी भी दी, सब कुछ दी, बट फर्क नहीं पड़ा, अभी दो दिन से फ्रेश नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने ना कॉलिकेट बोला है 0.3 ml देनी है दिन में 3 बार। शायद हो सकता है गैस हो रही हो, उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। और ना आज ही तुबा की वैक्सीनेशन की डेट है, 14-12 लिखा है, मतलब 14 दिसंबर, आज ही 14 दिसंबर है। अयान, जैद और तुबा तीनों की होनी थी, पर मैं सोच रही काम करती हूँ तुबा को आज करवा देती हूँ वैक्सीनेशन, नहीं तो बेटा लेट हो जाएगा। और कल करवाने आ जाऊंगी दोनों भाइयों की, ठीक है, आपकी करा देती हूँ वैक्सीनेशन, ठीक है। अब अभी लोई लोई कर रहे हो, अभी बिल्कुल लोई लोई नहीं करोगे, मम्मा आपको देगी। चलो वैक्सीनेशन लगी, बहुत बहुत देखो वैक्सीनेशन लगी थी अभी, बहुत 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 दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, बेटे को दर्द हो रहा है। तो इसको ना घर जाके सिरप दूंगी कॉन्स्टिपेशन के लिए, डॉक्टर ने कहा है कि सिरप देना है 3 दिन के लिए, एवरी नाइट में देना है सिरप। तो मैंने भैया कौन सा सिरप है जो देना है इसको, ये आपने 3 सिरप तो दिए हैं आपने, दोनों 3 सिरप्स दो। नहीं मैंने कहा 3 रात के लिए देना, भैया ने 3 सिरप दे देते, मुझे पिलाना है कितना, एक सेकंड भैया, मुझे पिलाना है 3.5 ml पिलाना है 3 दिन के लिए, तो 1 सिरप तो बहुत है। हाँ बस भैया ने 3 सिरप दे दिए थे, इतने सारे इतना नहीं चाहिए, 3। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि 3 दिन ही बहुत है, अगर आराम नहीं आता तो फिर अब 3 दिन बाद दोबारा आना। तो गाइस चीकू के व्लॉग को यही एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक जिसने चीकू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरा के सब्सक्राइब, तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और एक और लाइन जल्दी, भाई भी कौन करता है। तो गाइस हम आज हमारा था पापा का बर्थडे था, तो मेरे को बहुत मजा आया और पापा को भी बहुत मजा आया, और हम लोगों ने करा खूब सारा एंजॉय। पूरा व्लॉग आप देखना चाहते मलिक व्लॉग्स पे, तो मैंने एक चीज दिखाई पापा के केक पे, नहीं है ना, मैं यहाँ पे ले आया। ओके वेरी गुड, तो पापा के बाय बाय।